एक बार गिनती कर लो, देख लो, नहीं तो सब हम ले ही नहीं सकते, तो गिनती करके क्या करें। अब कैसे भी आपको आज ही देना पड़ेगा। कैसे भाई, कुछ तो मतलब बेनिफिट मेरे को भी दे दो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। फ्लैशबैक। गाइस गाइस, क्या पता है आप लोगों को आज मैं कौन सी वाले प्रैंक करने वाला हूँ? तो गाइस, आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा आप लोगों को कौन सा प्रैंक देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखो, तब भी आप लोगों को पता चलेगा। तो चलो भाट नहीं बकते, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्लैशबैक। पार्सल है। कितना रुपये में? 300 रुपये 371। ठीक है ब्रो, कोई बात नहीं। भाई मेरे पास तो छुट्टे थे भाई। भाई छुट्टे नहीं ले सकते हम, आप एक बार देख लो, मेरे पास मतलब नोट नहीं है ना। ये हम लोग मैनेजर एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार आप देख सको, मेरे पास मतलब नोट नहीं है ना, क्या करूँ। समझ सकता हूँ लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, हम क्या करें। देखो एक बार कोशिश करके। ठीक है, देखिए फ़ोन करो, क्योंकि मेरे पास होता तो मैं दे देता ना। भाई हर मतलब छुट्टा है मेरे पास, देखो। हेलो, इतना सारा छुट्टा है। हेलो, हाँ हाँ सर, बोल रहा है एक पार्सल दिया है कस्टमर को, तो वो छुट्टा दे रहा है मतलब रेस्ट की। क्या करूँ, एक्सेप्ट करूँ या रिटर्न कर दूँ? अच्छा ठीक है, नहीं भाई नहीं। अरे ये तो इंडियन का ही पैसा है ना। नहीं, इतना सारा छुट्टा नहीं ले सकते ना। तो क्या करूँ, मैं फेंक दूँ क्या? नहीं भाई, आप पार्सल दे दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, कैंसिल करके ले लीजिए। मैं तो देखो, मैं एक किस लिए बुक किया, मेरे को ज़रूरत है इसीलिए ना, तो मैं रिटर्न क्यों करूँगा? मुझे पता है आप लेने के लिए ऑर्डर किया है, लेकिन क्या करूँ, फिलहाल मेरे पास तो मतलब नोट नहीं है ना, इसीलिए ना मैं जमा करके मतलब ये वाला ख़रीदा। ठीक है, आपका बात मुझे ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन हर दिन 2 रुपया 1 रुपया करके डालता हूँ। मैंने नहीं समझेगा, उसने तो एक्सेप्ट करने से मना किया। एक बार गिनती कर लो, देख लो, नहीं तो सब हम ले ही नहीं सकते, तो गिनती करके क्या करें भाई। इतना सारा देखो, मैं एक बार गिनती करके देखो। ठीक है, अब अगर सही भी हो तो आप तो ले ही नहीं सकते ना, तो गिनती करके मतलब क्या? मैं आप मतलब देखो क्या ही बोलूँ, आप गिनती करके ले लो भाई। इतने सारे मैं नहीं ले सकता, मैनेजर ने एक्सेप्ट करने से मना किया। 200 रुपये तो ले लो, मेरे पास 100 रुपये छुट्टा है, नहीं मतलब नोट है मेरे पास, नहीं ले सकते। देखो भाई कोशिश करो ना, नहीं होगा नहीं। तो क्या करूँ मैं, आप पार्सल रिटर्न कर दीजिए। पार्सल ऐसे रिटर्न तो नहीं होगा ना भाई। देखिए अगर नोट है तो दीजिए, नोट मेरे पास 100 रुपया है अभी, फिर नहीं होगा। फिर क्या करूँ भाई, मेरे पास अभी नहीं है, तो आप चले जाओ, मैं आपको बाद में दे दूँगा, फिर कल आओगे तो। भाई कुछ तो करो, पैसे छुट्टा लो, नहीं तो काल लो पैसा। नहीं ले सकता, अब कैसे भी आपको आज ही देना पड़ेगा। कैसे भाई, कुछ तो मतलब बेनिफिट मेरे को भी दे दो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। ये वाला 200 रुपये लेने से कुछ दिक्कत? 100 रुपये तो लो। नहीं नहीं नहीं, छुट्टा नहीं ले, मतलब एकदम ही नहीं लोगे?
तो भाई क्या किस लिए बनाया मेरे को पहले ये बता। थोड़ा थोड़ा दो एक करके देना पड़ेगा आपको। दो मतलब दो एक करके तो मेरे पास तो सब छुट्टा ही है भाई। पाँच किलो दो ऐसे ही देना पड़ेगा, इतने सारे कोई एक साथ नहीं लेगा। मतलब मेरा ही गलती है क्या? देखो भाई फिर क्या करूँगा यार, रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न कर दो भाई, सात दिन से मतलब कर दो फिर रिटर्न। ओटीपी गया पता नहीं भाई, ऐसे नहीं रिटर्न कर सकते। क्यों? उधर देखो क्या उमड़ा लगा है। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके साथ प्रैंक हो रहा था। ठीक है अच्छा ठीक है। सच में यार इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्या इंडिया में, जैसा आप लोग रिएक्शन ले रहे हो भाई। मैंने मना किया था, क्या करो? तो ये हम क्या करूँ भाई, इतना सारा रिस्क ही बोलो। पहले तो आप देखो भाई, 100 रुपये ले लो, 50 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपये ले सकते हो। दे दो, दे दो। चलो गाइस 20 रुपया मान गया, तो फाइनली 20 रुपये इसको देते हैं छुट्टा। ठीक है, और बात बाकी मतलब फ़ोन पे कर देंगे। ठीक है, तो एक बार ऑडियंस को सब्सक्राइब करने के बोलो और हाई बोल लो। तो आप बोल दो ना, मैं इधर वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। बोलो गाइस, आप लोग सब अच्छे से सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर जरूर करना। तो गाइस भाई ने बोल दिया, तो भाई के ऊपर प्रैंक बन गया। तो मतलब प्रैंक वो सच्ची बात बोला, इतना सारा कोई मतलब छुट्टा नहीं लेगा। ठीक है, फिलहाल अभी जो चल रहा है ये तो इसका मतलब किसी दुकान में 2 रुपये दोगे ना तो नहीं लेगा, तो ये तो बहुत सारा है, जैसे 371 रुपया ना तो कोई नहीं लेगा गाइस। तो भाई मैनेजर से भी फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। तो फाइनली जो मेरे को अभी फ़ोन पे से ही पे करना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल में नहीं तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।